लेकिन यदि कोई ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें पार्टी की विचारों पर सिद्धांतों पर क्षति पहुंचेगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। क्या प्रशांत किशोर जी की भूमिका रही है और क्या पवन जी की भूमिका है सभी लोग जानते हैं। सर, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आप पार्टी में भी एक्टिव हैं और अपना मंत्रालय भी ठीक ठाक देख रहे हैं। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार पार्टी लाइफ है, क्या कुछ एक्शन होगा? देखिए, एक तो ज़रूर है कि पार्टी में रह करके कोई ऐसी कमेंट नहीं करना चाहिए जो पार्टी एक्शन लेने के मजबूर हो जाए। कुछ बातें ज़रूर मैं देख रहा हूँ इन दिनों, पवन वर्मा जी का या पीके जी का, इस तरीके का बातें नहीं होनी चाहिए। और ये बिहार की जो पार्टी बनी है इसमें बड़ी खून पसीना लगा कर हम लोगों ने बनाया है, इसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं भूमिका है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सिर्फ गद्दी के लिए नहीं बनाए हैं, बिहार को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए किए हैं। और इसमें यदि आप बात करें तो क्या प्रशांत किशोर जी की भूमिका रही है और क्या पवन जी की भूमिका है सभी लोग जानते हैं। ये पार्टी निरंतर 15 सालों से सरकार की भूमिका में है, तो इसमें कहीं भूमिका नहीं है, बल्कि एक उनकी पढ़ाई लिखाई विद्वता को देखते हुए बहुत आदर दिया है बिहार सरकार ने। एक राज्यसभा सदस्य कोई मामूली चीज़ नहीं है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। पार्टी का उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पीके जी को रखा गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि मैं जिस दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ उसे बारीकी के साथ निर्वहन करना चाहिए था, न कि पार्टी में ही रहकर पार्टी में भीतरघात करने। दिल्ली में आप चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप चुनाव लड़ रहे हैं, पीके जो हैं वो आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे, यानी कि आपका उपाध्यक्ष दूसरी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेगा? ये बिल्कुल गलत है। पार्टी में रहकर किसी प्रकार का, आप पहले ही मैंने कहा कि दायित्वों के निर्वहन में बड़ी बारीकी से निर्वहन करना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। और पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरी नज़र रहती है, प्रदेश अध्यक्ष भी बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी में गलत नीतियों करे। एक सुझाव के तौर पर समझाया जाता है, कुछ साथी नाराज होते हैं, मनाया जाता है, लेकिन यदि कोई ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें पार्टी की विचारों पर सिद्धांतों पर क्षति पहुँचेगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी।